हेलो फ्रेंड्स, अगेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर केयर के बारे में कि किस तरह से अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए। डे टू डे लाइफ में हम लोग अपने बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसे किस तरह से अपने बालों में अच्छे से हम लोग अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं हूँ पूजा, आप देख रहे हैं पीवीएम सोनी। बिना देर किए बात करते हैं हेयर केयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हेयर मास्क बनाने की रेसिपी के बारे में सबसे पहले हम लोगों का मेन इंग्रेडिएंट के बारे में यहाँ आ जाता है। तो आ जाता है सबसे पहले माड़, जो कि अक्सर हम लोग बनाते हैं, चावल बनाते ही हैं, भात बनाते हैं, तो माड़ को हम लोग फेंक देते हैं, जो कि अब से हम लोग को फेंकना नहीं है फ्रेंड्स। उसे यूज़ करना है, अपने बालों में यूज़ करना है, तो आपके बाल में अलग सा चमक आएगा, ग्लो शाइन, और आपके बाल लंबे घने मजबूत होंगे। एंशिएंट टाइम से यूज़ होते आ रहा है। हम लोग आप लोग देखे होंगे कोरिया और चाइना के लोगों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे घने मोटे रहते हैं, क्योंकि वो लोग होम रेमेडीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, होम रेमेडीज़ में ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं। लेकिन हम लोग तो हमारे इंडिया के लोग फैशन के चलते आजकल बहुत सारा केमिकल यूज़ करने लगे हैं, जिससे हमारा हेल्थ भी अच्छा नहीं है और हमारा डाइट भी अच्छा नहीं है। उसी से हमारा बहुत सारा स्किन डिजीजेस और भी बहुत सारा अलग अलग तरह का प्रॉब्लम होते आ रहा है। तो बिना देर किए हम लोग ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए माड़। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच माड़ ली हूँ, बड़े चम्मच के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप चाहो तो इसमें प्याज का रस भी ऐड कर सकते हैं, इक्वल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं माड़ ली हूँ और इक्वल क्वांटिटी में यहाँ प्याज का रस भी ऐड की हूँ। आप चाहो तो प्याज का रस, अगर आपको स्मेल इसका अच्छा नहीं लगता है प्याज का रस का, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसे डालते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 विटामिन ए के कैप्सूल इसमें मेंशन कर रही हूँ। माड़ में फ्रेंड्स विटामिन बी, विटामिन डी और फॉलिक एसिड है और अमीनो एसिड है, जो कि हमारे बालों को बूस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे बालों को ग्रोथ को प्रमोट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप चाहो तो इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल भी आप डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जो कि इसमें मैं अराउंड यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और लास्ट इसमें मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारे बालों को ग्रोथ को प्रमोट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसे भी मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून इसमें मेंशन करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको डायरेक्टली अपने स्कैल्प में और अपने हेयर लेंथ में इसे यूज़ करना है, और इसे मिनिमम आपको 1 आवर इसे रेस्ट छोड़ देना है। फ्रेंड्स, इसका एक ही एप्लीकेशन में आपका बाल को झड़ना जितना भी है वो बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपका जो पहले से जो झड़ा हुआ बाल है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आपका बालों का प्रमोट हेयर ग्रोथ को वो प्रमोट करेगा, आपका बाल सिल्की शाइनी और स्मूथ बनाने में भी हेल्प करेगा। आप चाहो तो जो आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल नहीं है तो। या फिर आप सिर्फ माड़ का पानी और प्याज का रस ही सिर्फ लगाते हैं तो आपके बालों बहुत ही अच्छा मजबूत रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियोस मेरे देखने के लिए मेरे चैनल में आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।